नमस्कार, मैं अमित कुमार इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, UPPCL में जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उनमें 25 मार्क्स जो होते हैं वो वैसे मार्क्स होते हैं जो आपको अनिवार्य हैं। मतलब अगर आप ये नहीं लाते हैं तो आप इसके लिए सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो भी चीज़ें हैं, फंडामेंटल है, उसके बाद MS ऑफिस है, उसके बाद इंटरनेट है, और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो चार टॉपिक हैं, ये अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर सवाल कैसे भी हो, किसी तरह से घूमे हुए हो, आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बिना किसी कंफ्यूजन के आप उनका आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जितने पॉइंट्स हैं उन्हें आपको बारीकियों से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे पहली बात है, कैन नॉट रिमेंबर, याद नहीं कर सकते आप इसमें रट के, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल, MS ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर, नेटवर्क, इनकी किसी चीज को आप याद नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप याद करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ वो पॉइंट याद होगा, लेकिन उसके बेसिस पर अगर क्वेश्चंस घुमाकर पूछे जाएं दो तीन तरीकों से, तो फिर आप उनके आंसर नहीं दे सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से कवर करना होगा, जिसको अच्छे से कवर करने में मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 25 जनवरी 2019 को UPPCL के टेक्निकल ग्रेड 2 का, ठीक है। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लेवल है, इसकी क्या बारीकियां हैं, इनके आंसर हैं तो वो कैसे हैं, क्या है, वो सारा कुछ आज समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला जो सवाल है, निम्न में डेटा प्रस्तुतीकरण, निम्न में डेटा प्रस्तुतीकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर, उसमें हम आउटपुट के रूप में सबसे कम डिजिट में किस पैटर्न के बेसिस पर रिजल्ट गेट करते हैं, वो कौन सी तकनीक है जो हमें सबसे कम वर्णों में रिजल्ट शो करती है। तो फर्स्ट है EBCDIC। अब आप समझिए कि इसका नाम क्या है। EBCD का मतलब क्या होता है?
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटर एक्सचेंज कोड, ठीक है। ये जो है वो आपको 8 बिट में डेटा को शो करता है, यानी कि 256 स्लॉट्स में सारे अक्षरों को वर्णित करता है, अंकित करता है। तो यहां तो सवाल कर रहा है कि कम से कम चाहिए, यहां 256 में कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो हमारा डेटा अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के बेसिस पर करता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा क्या होता है, 2 डिजिट्स 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। तो 0 और 1 का मतलब ये मैक्सिमम 4 अंकों में डेटा को प्रेजेंट करता है, मतलब 4 वर्णों में जो हमारा विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। तो देख लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा बाकी दोनों को भी, ASCII 8 और ASCII 7। ASCII का मतलब हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटर एक्सचेंज, ठीक है। 8 यानी कि ये भी 8 बिट में शो करता है, दैट मीन्स 256 स्लॉट्स में अक्षरों को अंकित करता है। ASCII 7 ये 128 यानी कि 7 बिट में, यानी 128। ये कैसे हो रहे हैं, तो 2 × 2⁷, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 32 = 64, 128, ठीक है, ओके। तो जाहिर सी बात है, क्लियर हो गया आपको कि यहां पर बीसीडी जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि सवाल भी कर रहा है कि कम से कम वर्णों की संख्या, दैट मीन्स बीसीडी जो है वो हमारा इसमें कम से कम वर्ण है, ओके, समझ गए आप लोग। चलिए देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम कौन है, जाहिर सी बात है विषम का मतलब डिफरेंट। अब वो डिफरेंट किस बेसिस पर होगा, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोई 3 एक जैसा है और कोई एक अलग है। अब वो अलग किस बेसिस पर है वो आपको समझना है, तो ट्रैकबॉल माउस कीबोर्ड और एंटीवायरस। तो ट्रैकबॉल क्या है, तो सबसे पहला एक डिवाइस है, माउस ऑल्सो डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड डिवाइस है, एंटीवायरस डिवाइस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ये इस कैटेगरी से हट गया, ये अलग कैटेगरी का ऑप्शन हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स ये 3 एक कैटेगरी के हैं और इनसे जो विषम है डिफरेंट है वो है हमारा एंटीवायरस, ठीक है। तो ये आंसर एंटीवायरस हो जाएगा। मैंने बार बार बोला है कि सवाल को घुमाना और घुमा के पूछना, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखिए, तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को किसके द्वारा अलग करिएगा, एक मेल को कई लोगों को मुझे मेल करना है, एक ही मेल को, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं कई सारे लोगों को एक साथ। तो उसमें जो चिन्ह हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग साइन यूज करते हैं ईमेल एड्रेस को सेपरेट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ईमेल एड्रेस को सेपरेट करने के लिए,
तो वो जो ऑप्शन, वो जो साइन होता है वो हमारा होता है कॉमा, ठीक है। एक हमारा साइन होता है ब्लैंक स्पेस, ये कब होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब हम बेसिक HTML व्यू यूज करते हैं, जब आप Gmail ओपन करेंगे और अगर आपका नेट कनेक्शन स्लो है, ध्यान दीजिएगा नेट कनेक्शन स्लो और फास्ट, स्लो है तो ऑटोमेटिक वो बेसिक HTML व्यू में खुलता है, नहीं खुलता है तो ऑप्शन भी देता है, इसलिए ताकि यूजर स्टैंडर्ड वर्जन को छोड़कर बेसिक HTML व्यू में अपना जो मेल है वो काम कर सके, ठीक है। तो इसमें अगर खुलता है तो यहां जब आप एक मेल को कई सारे लोगों को असाइन करिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक HTML व्यू में जब आप कई सारे लोगों को एक ही मेल भेजिएगा तो उनके एड्रेसेस के बीच में आप स्पेस दीजिए, यहां स्पेस लेगा। बट जब यही चीज स्टैंडर्ड वर्जन में खुलेगा, तो वहां पर कॉमा के साथ हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड वर्जन में भी हम डायरेक्ट बिना कॉमा दिए हुए स्पेस देंगे तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे जितने हमको ईमेल देने हैं वो भी हम कर सकते हैं, तो इन दोनों में हम कर सकते हैं, ठीक है। यहां स्पेस देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। देखिए, लिनक्स प्रणाली में फाइल डॉट टीएक्सटी और कैपिटल फाइल डॉट टीएक्सटी को अलग अलग फाइल माना जाता है, ठीक है। लिनक्स जो होता है वो एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग प्लेटफॉर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैक ओएस, विंडोज, लिनक्स, तो ये सभी के सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो कैपिटल और स्मॉल, इससे उसमें डिफरेंस पड़ता है, वो केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां वो अलग अलग फाइल उसको समझेगा, सही बात है ये। और विंडोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर आप कैपिटल फाइल दीजिए, स्मॉल फाइल दीजिए, दैट मीन्स सेम ही है वो, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, यहां पर जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो लिनक्स में एक फाइल माना जाएगा, नहीं, केस सेंसिटिव है इसलिए नहीं माना जा सकता, तो ये गलत हो गया भाई। तो कौन सही है, तो दूसरा वाला सही है, विंडोज में ऐसा कुछ नहीं होता, कैपिटल दीजिए स्मॉल दीजिए बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये सही हुआ, सॉरी, ठीक है। जरा सा आप लोग समझे हुए रहेंगे सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं समझा देता हूं आप लोग को, नेक्स्ट देखिए, अब ऊपर सही था तो नीचे गलत पूछ रहा है, इसकी मर्जी। देखिए, निम्न में कौन से कथन गलत है, CDR, CDR का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, ठीक है। एक पुनर्लेखन डिस्क है, पुनर्लेखन का मतलब रीराइटेबल, ध्यान दीजिएगा रीराइटेबल, ठीक है, जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने के लिए अनुमति देता है। तो इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आर का मतलब रीड होता है और यहां पुनर्लेखन की बात कर रहे हैं, मतलब रीड, रीराइटेबल, तो ये गलत है, ठीक है। CDRW, RW का मतलब क्या होता है, तो RW का मतलब होता है रीराइटेबल, पुनर्लेखन, जिसको ऊपर में बोल रहा था वो, तो पुनर्लेखन का मतलब यहां होता है। तो लेकिन ये तो यहां बोल रहा है कि R मतलब RW का अक्षरों का अर्थ रीड एंड राइट होता है, तो ये गलत है, रीड एंड राइट नहीं होता है, रीड राइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रीड होता है और रीराइटेबल होता है, ठीक है, राइटेबल होता है और रीड एंड रीड रीराइटेबल होता है, ठीक है। तो यहां पर रीड का कोई मतलब नहीं होता, जब उसमें राइट होगा तो ऑब्वियसली भाई रीड तो होगा ही ना, तो यहां पर CDW और RW, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों ही गलत है, ठीक है।
बोलिए सही समझे कि नहीं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में फॉन्ट रंग या फॉन्ट शैली जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंट में, देखिए पाठ का मतलब डॉक्यूमेंट समझिए, ठीक है, उतनी हिंदी हम समझाएंगे तो फिर हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पाठ का मतलब डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में कई जगह लागू करने के लिए, मतलब अगर एक जगह पर हमने किसी टेक्स्ट को कोई डिजाइनिंग दिए, कोई फॉन्ट फॉर्मेटिंग कुछ भी दिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उसी को अगर कई जगहों पर लागू करना है, ठीक है, तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अगर आप लोग पढ़े हैं एमएस ऑफिस अच्छे से वर्ड, तो ये एमएस वर्ड का सवाल है, ठीक है, तो उसमें किसका यूज होता है, तो क्रॉस रेफरेंस नहीं गलत बात है, ये हाइपरलिंक में यूज होता है, बुकमार्क में यूज होता है, फॉर्मेट पेंटर यस, क्लिपबोर्ड नहीं, ड्रॉप कैप नहीं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोग्राम दैट इज रनिंग, मतलब प्रोग्राम क्या है, जो प्रोग्राम है और वो रन करता है, तो प्रोसेस, ठीक है, सीधा सा आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नॉलेज, नॉलेज कोई प्रोग्राम होता नहीं है। डेटा, डेटा क्या होता है, डेटा तो सिंपल एक डेटा होता है ना, रॉ डेटा होता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दैट मीन्स क्या, किसी चीज की सूचना, तो सूचना क्या होती है, कोई रन वगैरह तो करने वाली ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तो प्रोसेस, प्रोसेस जो होता है, मतलब कोई चीज का प्रोसेस, जब प्रोग्राम का प्रोसेस होगा तभी तो रन करेगा, जब प्रोग्राम का प्रोसेस होगा तभी तो वो रन करेगा। जैसे मुझे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका प्रोसेस मैंने बनाया होगा तभी तो वो रन करेगा, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत आंसर, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इन 50 क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। ऑब्वियसली आ सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जितनी आप लोग समझ रहे हैं। बहुत आंसर है, बहुत इजी है। देखिए अब ये जो सवाल है इसका आंसर इसी सवाल में छिपा हुआ है। कौन सा प्रिंटर फॉन्ट कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने यानी कि प्रिंट करने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो कौन सा प्रिंटर है जो आपको लेजर के थ्रू प्रिंट करता है, सीधा सा बात है, लेजर प्रिंटर, क्योंकि प्लॉटर प्लॉटिंग के कॉन्सेप्ट पर प्रिंट करता है, इंकजेट इंक के थ्रू प्रिंट करता है, आपको पता है, डॉट मैट्रिक्स डॉट 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 बेसिस पर, यानी कि डॉट्स में वो प्रिंट करता है। तो यहां प्रिंटिंग मेथड को पूछा गया है सवाल में, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से, ठीक है, वर्ड से भी क्वेश्चन दिया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से भी दिया। देखिए वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है और थोड़ा सा टफ होता है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा जो टफ होता है वो होता है एक्सेल। ठीक है, टफ कहने का मतलब डरिए नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस राइज अप होता है, ठीक है। तो आप यहां पर एक्सेल में ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी एक्सेल में, क्योंकि वर्ड और पावर पॉइंट थोड़े से हल्के हैं, बट एक्सेल थोड़ा सा बड़ा है इससे। खैर डरिए मत, हम हैं, हम सब समझा देंगे, ठीक है। जहां प्रॉब्लम हो आप लोगों को कमेंट करिए, हम सारा चीज अच्छे से डील करेंगे, कमेंट में भी डील करेंगे। आप लोग दोबारा डिमांड करेंगे कि नहीं इस चीज को फिर से समझाइए, हम फिर से बताएंगे, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं आ रही है, हम भी हैं ना साथ में। चलिए हाँ,
निम्न में कौन, ओ सॉरी देखिए ऊपर चला गया वो सवाल, भाग रहा है आप लोग से, भाग रहा है सवाल, डर के भाग रहा है ना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है, मतलब जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको एक कैटेगराइज करके दिया हुआ रहता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, स्टाइल एडिटिंग, ये सब एक अलग अलग कैटेगरी बनी हुई होती है, ठीक है। तो वहां पर पूछ रहा है होम टैब में क्लिपबोर्ड समूह में, क्लिपबोर्ड की कैटेगरी में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होता है, तो फॉर्मेट प्रिंटर, पेस्ट, कॉपी, ये सब होता है, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इन तीनों में क्लिपबोर्ड में ये तीनों ऑप्शन कॉमन होते हैं, चाहे तो आप लोग इसको माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। न्यू स्लाइड जो होती है वो यहां नहीं होती है, वो अलग जगह होती है, ठीक है। तो ये नई स्लाइड ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें आपको हम कुछ समझा इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखने की है, अगर आप इसको देखे होंगे, ध्यान में होगा या यूज भी किया होगा आपने, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं न्यू स्लाइड ही है जो कि वहां क्लिप बोर्ड में नहीं होता, ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर का मतलब वर्ड रिसोर्स सॉफ्टवेयर, रिसोर्स मतलब जिससे वर्ड का काम नहीं होता है, तो ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इंप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, और वर्ड पैड। तो आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा भी आपने यूज किया होगा सिस्टम, ठीक है, तो वर्ड पैड में हम डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो राजा ही है डॉक्यूमेंटेशन का, वर्ड प्रोसेसिंग का। ओपन ऑफिस इंप्रेस नहीं है, ये गलत है क्योंकि नहीं आता है, ओपन ऑफिस इंप्रेस जो है वो नहीं है। राइटर ये एक पोर्टेबल एप्लीकेशन है जो मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, ओपन ऑफिस। आपको सवाल ये भी ऑप्शन दे सकता है WPS ऑफिस, WPS, ठीक है, तो यहां आप घबराइएगा नहीं, WPS ही एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल में यूज होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स को खोलने के लिए। समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, क्योंकि कंप्यूटर में तो हर एक फाइल होती है भाई, तो अब वहां पर आप जितनी भी फाइलें बनाते हैं हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका नाम क्या होता है, तो वर्कशीट नहीं, क्योंकि जहां हम काम करते हैं वो एरिया ही वर्कशीट कहलाता है। ग्रिड नहीं, रो और कॉलम्स की जो लाइनें होती हैं वो ग्रिड कहलाते हैं। वर्कबुक, हाँ जी वर्कबुक, क्योंकि जो हमारी फाइल बनती है वो बुक के नाम से बनती है, बुक वन, बुक टू, तो हम जो काम किए रहते हैं वो वर्कबुक की फाइल होती है, जैसे डॉक्यूमेंट की फाइल बनती है एमएस वर्ड में, एक्सेल की फाइल बनती है वर्कबुक में, ठीक है, तो वर्कबुक में, एक्सेल में जब फाइल बनती है तो उसका नाम वर्कबुक होता है, वर्ड में जो फाइल बनती है उसका नाम डॉक्यूमेंट होता है, और पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसका नाम प्रेजेंटेशन, ठीक है, और डेटाबेस ये तो एक्सेस का चीज है, एमएस एक्सेस। तो ये हो गया आपको वर्कबुक। देखिए नेक्स्ट, जब विंडोज एप्लीकेशन को न्यूनीकृत, हिंदी तो परेशान कर दिया यार, हमने इसको इंग्लिश में लिख देता तो क्या होता है, न्यूनीकृत, न्यूनीकृत का मतलब होता है मिनिमाइज, ठीक है, न्यूनीकृत का मतलब मिनिमाइज, तो मिनिमाइज जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन को, यहां पर आपने देखा ना तीन ऐसे ऑप्शन होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है, तो जब मिनिमाइज करते हैं तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एक छोटे आइकॉन के रूप में प्रकट हो जाता है, कहां पर चला जाता है आपको पता ही होगा, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार में, यानी नीचे जो प्लेन टास्क बार होता है डेस्कटॉप का,
ठीक है। डेस्कटॉप पर आइकॉन्स, टास्क बार, तो नीचे जो पट्टी होती है टास्क बार, वहीं पर आइकॉन के रूप में हर प्रोग्राम मिनिमाइज होने के बाद चला जाता है। तो ये रहा टास्क बार, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चंस, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत, बता रहे हैं। देखिए, इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक है, जो हमारा इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का जो काम होता है, तो वो जितना भी होता है वो उसमें अगर ज्यादा कोलैप्शन हो जाता है तो वहां पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। जैसे कैसे रोड पर ट्रैफिक बढ़ता है तो जैम हो जाता है, तो उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में डेटा ट्रांसमिशन जब होता है तो ज्यादा होने की वजह से वहां ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने में एक डिवाइस है जो अहम भूमिका निभाता है, और वो राउटर है। यस, ये बिल्कुल सही है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। जब नेटवर्क, हम लोग, जब मैंने आपको नेटवर्क पढ़ाया है तो उसमें मैंने डील किया है, आप उसको देखिए, इस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नेटवर्क में राउटर का क्या यूज होता है, राउटर क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते हैं, कमजोर होने से रोकते हैं, ठीक है। रिपीटर्स भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये सिग्नल को बढ़ाते हैं। जहां भी आपको डेटा भेजना है, यहां से लेकर यहां तक, तो आप यहां से डेटा भेज रहे हैं तो डेटा जा रहा है, जा रहा है, जाते जाते ये लॉस करने लगता है, तो लॉस करने के लिए यहां हमने एक रिपीटर लगा दिया, ठीक है। तो इस रिपीटर के बाद डेटा यहां से वापस उठ के अपने नॉर्मल रूप में डेस्टिनेशन होस्ट के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेक्स्ट। निम्न में एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया है? वेब ब्राउजर आप समझते हैं ना, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ठीक है। ग्राफिकल वेब ब्राउजर का मतलब जिसमें हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। पहला बात कि वेब ब्राउजर क्या होता है, तो जहां हम इंटरनेट पेज को, इंटरनेट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वो हमारा हो जाता है वेब ब्राउजर। तो ग्राफिकल तो एप्पल के द्वारा बनाया गया कौन सा उसमें ब्राउजर है, अगर आपको पता होगा तो आंसर आप समझ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इसको डिजाइन करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि सभी लोगों को पता है, ठीक है। क्रोम किसने बनाया, बताने की जरूरत है? गूगल। सवाल क्या कर रहा है? एप्पल, लेकिन ये क्रोम गूगल के लिए। फायरफॉक्स नहीं, ये मोजिला का बना हुआ है, कॉरपोरेशन, मोजिला कॉरपोरेशन का। एज, ई डी जी ई, तो एज जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, अभी तक हमारा आंसर नहीं मिला। सफारी, हाँ जी, नेट सफारी, नेट सफारी जो है वो एप्पल के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है, ठीक है। कुछ दम नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत इजी है। निम्न में कौन से कथन गलत है? हमको क्या पता कौन से कथन गलत है, देखिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, बताने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर आदमी आज ईमेल यूज करता है, तो मेल यूज करने के बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसे साइन आउट करना जरूरी है, ये बात वो भी समझता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब पूछ रहा है कि गलत के लिए, लेकिन पहला तो सही है,
वो गलत के लिए सवाल कर रहा है, लेकिन हमारा पहला आंसर सही है, ठीक है, तो गलत वो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ईमेल के संबंध में बीसीसी, बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, तो ब्लैंक कार्बन कॉपी अगर जरा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप स्लिप कर जाइएगा क्वेश्चन से और आप गलत हो जाएंगे। आपको लगेगा नहीं ये भी सही है, तो कहेंगे ना तो वन और ना तो टू, आप आंसर मार के घर पे चले आएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, हाँ तो सही मार दिए। गलत है वो, क्योंकि आप यहां पर मिस हो गए। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लैक नहीं, बीसीसी में बी का मतलब जो होता है वो ब्लैंक होता है, बस जरा सा का डिफरेंस है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप ये सवाल गलत कर जाएंगे 100%। तो बीसीसी का मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ठीक है। क्या यूज होता है, कैसे होता है, वो जब मैंने नेट पर आया तो आप उसमें जाकर देखिए, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता आप इसके कमेंट में मुझे सवाल करिए कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि काम क्या होता है, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का मतलब, प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रिसीवर। क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो होती हैं वो इंग्लिश में ही हमें सुटेबल तरीके से समझ में आती हैं, ठीक है, तो हिंदी के कारण हम उनको जानबूझ के गलत कराते हैं, तो इसलिए आपको वो चीजों को समझना, उनका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, रिसीवर पॉइंट, तो प्राप्तकर्ता के छोर पे। अब जैसे कोई डेटा सब मतलब सेंड होता है, तो यहां से सेंड यहां तक हुआ, तो एक हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। तो वही चीज ये पूछ रहा है कि प्राप्तकर्ता के छोर पे यानी कि यहां पर दिस एंड पॉइंट, एनक्रिप्टेड डेटा का क्या होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। आपको पता होगा जब मैंने नेट पढ़ाया, नेटवर्क पढ़ाया था, तो नेटवर्क में जब डेटा ट्रांसमिशन होता है, ध्यान दीजिएगा डेटा ट्रांसमिशन जब होता है, तो वहां डेटा जब जाने के लिए रेडी होता है तो वह इनक्रिप्टेड होता है, और जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो डिक्रिप्टेड होकर पहुंचता है ताकि वो पढ़ सके। जैसे पोस्ट ऑफिस से जब लेटर कहीं निकलता है, जैसे सपोज आपके किसी घर वाले ने आपको चिट्ठी दी, तो क्या वो चिट्ठी खुली हुई देगी आपको? नहीं, वो पैक सील होगा, और सील होने के बाद आपके पास जब पहुंचेगा तो वो खुलने की परमिशन वहां होगी, वहां परमिशन नहीं है खुलने की, बीच रास्ते में कहीं भी वो डेटा नहीं खुल सकता। दैट लाइक इसी तरह कि यहां पर आप जब ये डेटा होता है तो इनक्रिप्टेड मोड में, और जब यहां जाएगा तो डिक्रिप्टेड होना चाहिए, होता ही है, तो पूछ रहे कि क्या होना चाहिए, तो डिक्रिप्ट होना जरूरी है उसका, तभी तो यूजर उसको पढ़ सकता है ना आसानी से, अदरवाइज वो वहां पढ़ ही नहीं पाएगा, खुलेगा ही नहीं डेटा, सीधी सी बात है। तो डिक्रिप्ट होना यानी कि खुले हुए रूप में होना जरूरी है ताकि उसको यूजर खोल सके, पढ़ सके, ठीक है। ये सारे सवाल कहीं से नहीं है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं है, ऐसा देखने में नहीं लग रहा कि भाई ये सवाल कहीं बाहर से है या फिर कहीं दूसरी जगह से है, कंप्यूटर का होते हुए भी कहीं दूसरी जगह से, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सवाल विद इन टॉपिक्स है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन है, ठीक है। जब एक्सेल फंक्शन मैंने आपको डिटेन किया है, आप मेरा वो लेक्चर देखिए जहां पर मैंने एक्सेल के लिए स्पेशल एक लेक्चर बनाया है, जिसमें मैंने उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को डील किया है, मैक्स मीन सम एवरेज इफ काउंटिफ परसेंट वी लुकअप एच लुकअप वो सारे चीज़ों को, तो आप वो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है वो होगा तो वन, लेकिन कैसे होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। मीन फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है वो आप, ठीक है। तो यहां पर ये इसको कैलकुलेट करता है, देखता है, कंपैरिजन करता है, फिर इस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है कैलकुलेशन का, उसके बेसिस पे ये उसे फाइंड आउट करता है, ठीक है।
वो आप देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो फिर मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी क्वेश्चंस काफी सारे हैं, सभी को डील करना है, ठीक है? तो जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है उनको नेक्स्ट सेशन में हम समझाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी सारे क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है, जो इजी लग रहा है आपको वो उन्हें भारी लग रहा है, जो इजी लग रहा है मुझे वो उन्हें भारी लग रहा है, जो उन्हें भारी लग रहा है हो सकता है मेरे लिए इजी हो, ठीक है? निम्न में कौन से कथन गलत है? अब यहां पर स्टेटमेंट पूछ रहा है गलत के लिए, ध्यान दीजिएगा, गलत के लिए मतलब इसमें गलत कौन है? तो मुख्य मेमोरी, मतलब मुख्य मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी, ठीक है? तो मेन मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी, अरे यार हिंदी तो परेशान कर दिया, गौण मेमोरी, गौण मेमोरी का मतलब जियो यानी गौण नहीं, चला गया नहीं, गौण मेमोरी का मतलब होता है सेकेंडरी। आप इसे मुख्य मेमोरी प्राइमरी मेमोरी समझिए, सेकेंडरी मेमोरी हो गया ये, ठीक है? तो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है? तीन दो ही तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी को आप मेन मेमोरी कहिए चाहे प्राइमरी मेमोरी कहिए, बात बराबर है। तो मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी में सीमित, सीमित मतलब लिमिटेड भंडारण क्षमता होती है, लिमिटेड भंडारण क्षमता होती है। इसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ये नहीं कि कहीं और की, जैसे आप कहेंगे सर 170 GB का तो हार्ड डिस्क है तो वो तो लिमिटेड ही हुआ ना, नहीं ये 170 GB इसकी तुलना में नहीं ना हुआ। यहां पर मुख्य मेमोरी मान लेते हैं 4 GB है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो वहां बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी तुलना में गौण मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, नहीं ये गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, सीमित लगा दिया है इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। DRAM मतलब डायनेमिक, सॉरी पता यहीं पर हमने लिख दिया, DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम और SRAM का मतलब स्टैटिक रैम, ठीक है? तो डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से धीमी होती है, ये कथन गलत है। हाँ जी, डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से धीमा नहीं, फास्ट होता है। आज हम लोग जो यूज कर रहे हैं DDR1, 2, 3, तो DDR मतलब डायनेमिक रैम हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टैटिक रैम जो पहले यूज होता था, तो डायनेमिक रैम SRAM से धीमा नहीं, फास्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत है। नेक्स्ट, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाते हैं, यानी हाइड स्लाइड का ऑप्शन, ठीक है, हाइड स्लाइड का ऑप्शन करके उसे छिपाते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर आप प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो उसमें आप स्लाइड को हाइड कर देते हैं तो क्या होगा? तो कुछ होगा नहीं, बस इतना होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, जब वो स्लाइड व्यू में खुलनी शुरू होगी, तो उस स्लाइड के शो यानी प्रेजेंटेशन के समय, जब आप उसे स्लाइड शो में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ वो स्लाइड नहीं दिखेगी जिसको आपने छिपाया है, बाकी सब कुछ दिखेगा, ठीक है? स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप उसको प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, मतलब आप उसे जब प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो वहां से डिलीट हो जाएगा, वो एडिटिंग में बाकी सारी चीजों में रहेगा वो, ठीक है? बस प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो व्यू में वो नहीं दिखेगा, ठीक है? नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट, मतलब प्रविष्ट का मतलब लिखा जाता है, कहां लिखते हैं आप?
तो एक्सेल में डेटा आप लिखते कहां पे, एंटर कहां करते हैं, वैल्यू हो चाहे टेक्स्ट हो कुछ भी हो, कहां लिखते हैं? तो वो हम लिखते हैं सेल में, ठीक है। मतलब जैसे ये एक एक्सेल शीट है, तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा सेल। तो डेटा हम यही लिखते हैं, यहां 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 जहां भी हो, ठीक है, हर एक सेल होता है तो हम सेल में ही लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या डिटेल करूं, क्वेश्चंस बहुत इजी है सवाल, ठीक है, कोई ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं है कि उसको सॉल्व करने के लिए डिटेल करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसके सारे, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है, इस तरह से समझिए उसको। जैसे कंप्यूटर जो है वो यूजर और हार्डवेयर इन दोनों के बीच में मैनेजमेंट को देखता है, वो सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस यूजर को दोनों को मैनेज करता है, तो वो कौन है, क्या है, तो वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा चीज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है और यूजर का हार्डवेयर से इंटरैक्शन यानी कम्युनिकेशन करवाता है, साथ ही उसके साथ साथ वो उसे वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देता है जिसमें यूजर अपने टास्क यानी अपने काम को फिनिश कर सके, ठीक है। देखिए निम्न में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है, अब आप फंक्शन जानते होंगे, आपने समझा होगा, देखा होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ कौन सा फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। अब जब उसका नाम ही नहीं है, वैलिड नाम ही नहीं है, एबीसी, तो थोड़ी ना कोई फंक्शन है, तो ये वैलिड फंक्शन नहीं है ना। तो यहां पर ये सारे माइन्यूट मैक्सा मीना ये सब के सब एक फंक्शन है, इनका यूज है, लेकिन मिनिमम, ये मिनिमम कोई फंक्शन होता ही नहीं, मिनिमम किसी फंक्शन का पूरा नाम है, फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन का नाम है, उस फंक्शन का नाम क्या है, मीन, MIN, ठीक है, मीन, मीन फंक्शन, मीन को पूरा हम लोग कहते हैं मिनिमम, तो मिनिमम को ही हम लोग मीन फंक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन मिनिमम नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में कौन सा विकल्प आपके द्वारा किए गए बेस के उल्लेख के लघुगणक को रिटर्न करता है, मतलब इसमें से कौन सा है जो लॉग रिटर्न देता है, वो कौन सा फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली लॉग फंक्शन, लॉग 10, तो लॉग 10 का ये लेंथ करता है, ठीक है, लॉग, तो लॉग 10 का मतलब हो गया कि लॉग 10 की वैल्यू को रिटर्न देगा, लॉग 10 का मतलब कितना होता है वो बता देगा उस फंक्शन से, और लॉग फंक्शन से हम किसी संख्या के लॉग को हम जानते हैं कि लॉग, जैसे लॉग 5, लॉग 5 का कितना रिटर्न होगा, तो ये बताएगा उसको, ठीक है। तो लॉग फंक्शन का यूज करके ही हम किसी भी संख्या के लॉग को रिटर्न पा सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था पहले ही आप लोगों को और बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सेल जो है वो वर्ड और पावर पॉइंट इन दोनों से इनहैंस है, ठीक है, तो इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझने की ज़रूरत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसके टैब के किस समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये दो ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, दोनों के दोनों फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो किस टैब के किस समूह में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वर्ड ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो होम टैब, जब आप होम टैब को क्लिक करेंगे
तो उस होम टैब में, ठीक है, फॉन्ट, मैंने पहले बोल दिया ना कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन यानी कि फॉन्ट की कैटेगरी में, फॉन्ट के समूह में ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, ओके, ये 25 क्वेश्चंस यहां तक हमने इसको डील कर लिया इस सेशन में। नेक्स्ट के जो 25 है, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और इरिटेटिंग भी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक देकर नेक्स्ट सेशन इसका हम आपको देते हैं, ठीक है, कि उसमें बाकी के 25 क्वेश्चंस डील किए हुए रहेंगे और आप लोगों को समझ में आएंगे वो। तो अभी 25 क्वेश्चंस है, ठीक है, नेक्स्ट में आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ओके। बाकी मैंने एक ही बात आप लोगों को कई बार कह दी है कि सारे क्वेश्चंस टू द टॉपिक्स हैं, कोई भी बाहर का नहीं है, और अगर उनको अच्छे से करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मैं समझाने के लिए हूँ, आप लोग बस 5% का कंट्रीब्यूशन दीजिए, सिर्फ 5%। जैसे मैं समझाता हूँ आप बस उसको एक्सेप्ट करिए, बस कुछ भी नहीं, याद तो बिल्कुल भी भूल के भी मत करिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी ये कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ याद नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ओके।